प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को सर दर्द की शिकायत रहती है, लेकिन प्रेगनेंसी में सर दर्द होता क्यों है और इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मिताली। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। प्रेगनेंसी में सर दर्द होने के कई कारण होते हैं। कई महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेडेक होता है और कई महिलाओं को सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हेडेक होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में यानी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर दर्द होने का मेन रीजन होता है हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीनों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण ज्यादातर महिलाओं को हेडेक होता है। इसका दूसरा कारण है आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना, जिसके कारण हेडेक होना आम बात है। कभी कभी लो शुगर होने के कारण भी सर दर्द हो जाता है। शुगर लेवल कम होने के कारण कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती, एंजाइटी फील होती है, बेचैनी, घबराहट और सर दर्द होना ऐसी परिस्थितियों में आम बात है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय माइग्रेन की शिकायत आम हो जाती है, जिसके कारण सर दर्द और उल्टी को मन करना आम बात है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान चाय और कॉफी यानी कैफीन पदार्थों का सेवन ज्यादा करती हैं, उनमें भी हेडेक की शिकायत आम देखी गई है। प्रेगनेंसी में ओवरथिंकिंग की वजह से भी महिलाओं में स्ट्रेस ज्यादा होता है और ये स्ट्रेस भी प्रेगनेंसी के दौरान सर दर्द का एक मेन कारण है। इसके अलावा वे महिलाएं जिनमें नींद पूरी नहीं होती, उनमें भी सर दर्द की शिकायत आम रहती है। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में कई महिलाओं का बीपी हाई हो जाता है, यानी कि बढ़ा हुआ बीपी भी प्रेगनेंसी के दौरान सर दर्द का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इस टाइम महिलाओं को भूख ज्यादा लगती है और अलग अलग चीजों को खाने की क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, जिसमें फास्ट फूड सबसे कॉमन है। तो ज्यादा फास्ट फूड खाने से, इनडाइजेशन होने से कई बार सर दर्द जैसी शिकायतें आम हो जाती हैं। कई बार सर्दियों के दिनों में भी ठंड के कारण गर्भवती महिलाओं में सर दर्द जैसी शिकायतें देखी जाती हैं। प्रेगनेंसी में सर दर्द से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है। तो आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने आप को सर दर्द यानी के हेडेक से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अपने आप को ओवरथिंकिंग से बचाएं, अच्छा म्यूजिक सुनें और खुद को प्रोडक्टिव चीजों में बिजी रखें। सुबह की फ्रेश एयर जरूर लें, प्राणायाम, योगा, ब्रिस्क वॉक को अपनी रोजमर्रा में जरूर शामिल करें और अपनी डाइट में फ्रेश और हेल्दी डाइट को शामिल करें। कैफीन प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड और डिब्बा बंद खाने से बचें। एडुकेट अमाउंट में पानी पिए और खुद को हाइड्रेट रखें। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की कंसल्ट के बिना कभी ना लें। और सबसे जरूरी बात, अपने आप को रोज कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर दें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई और हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर हमारे डॉक्टर से जरूर बात करें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी हैं इनफर्टिलिटी से परेशान तो जल्द ही अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक्स या हिम्स हॉस्पिटल में संपर्क करें।